साथियों, वंचितों आदिवासियों की सेवा मेरे लिए परिवार के सदस्य की सेवा जैसी है। मैं कांग्रेस के शाही परिवार की तरह बड़े घराने से नहीं निकला हूं। मैं तो गरीबी में ही बड़ा हुआ हूं। मुझे पता है यहां आपने कितनी तकलीफ उठाई है। हमारे आदिवासी भाई बहन यहां काफी ऊंचाई पर भी रहते हैं। पानी के लिए कैसे आपको उतरकर नीचे आना पड़ता था, तब पानी मिलता था, ये माताएं बहनों को सबको मालूम है। आपके जीवन में भी मुश्किलों का पहाड़ था। कितने ही आदिवासी परिवारों के पास पक्का घर नहीं था। आजादी के 60 साल बाद भी गांवों में बिजली नहीं पहुंची थी और इसलिए मोदी ने संकल्प लिया था, हर गरीब को घर, हर आदिवासी को घर, हर आदिवासी के घर में पानी, हर परिवार को पानी की सुविधा। दूर सुदूर जंगलों में भी गांव क्यों न हो, हर गांव में बिजली। साथियों, हमने नंदुरबार के करीब 1.25 लाख, देखिए आजादी के 70 साल के बाद मैं कह रहा हूं, करीब 1.25 लाख गरीबों को हमने पीएम आवास पक्का घर दिया सिर्फ नंदुरबार में। और मेरा एक काम है, मैं करोगे आप लोग मेरा एक काम करोगे, ये मेरा दिली काम है, करोगे? माताएं बहनें करेगी, ये जो पीछे लोग खड़े हैं वो करेंगे? हाथ ऊपर करके बताओ करेंगे तो मैं बताऊं करेंगे। अच्छा, मेरा एक काम करना, इन दिनों आप चुनाव के लिए जब भी गांव में जाए, मोहल्ले में जाए, और अगर आपके ध्यान में आए कि भाई ये दो परिवार है, उनको अभी गैस का कनेक्शन नहीं मिला है, ये दो परिवार रह गए हैं, उनको नल से जल नहीं मिला है, अभी 4 परिवार रह गए हैं, वो तो अभी कच्ची झोपड़ी में रहते हैं, उनको पक्का घर नहीं मिला है, आप उनका नाम पता लिख लीजिए और मुझे भेज दीजिए। और मेरी तरफ से उनको गारंटी दे देना कि मोदी आए थे, मोदी ने कहा है 3रे टर्म में मैं 3 करोड़ और घर बनाने वाला हूं, आपको पक्का घर मिलेगा।